विदिशा के वार्ड नंबर 35 हलाली कॉलोनी क्षेत्र कई रहवासी नगर पालिका SKC के पास पहुंचे और लिखित ज्ञापन देते हुए वार्ड से गुजर रहे नाले की शिकायत की। ज्ञापन में कहा गया कि नाला खुला हुआ है जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती है। रात के समय अंधेरा होने के कारण यहां अक्सर दुर्घटनाएं घट चुकी है। मवेशियों के गिरने के अलावा आम जनमानस भी दुर्घटनाओं का शिकार होता रहा है। रहवासियों ने जल्द से जल्द इस नाले को पैक करने की मांग की है। बताया गया कि कुछ लोगों ने अपने निजी खर्चे पर व्यस्तम क्षेत्र में नाले पर फर्सी लगाकर सुरक्षा करने का प्रयास किया है। हलाली कॉलोनी के पीछे के सभी निवासी हैं जिनकी मांग है कि वहाँ एक नाला है उसको ढकवा दिया जाए जिसके चलते उसमें कचरा या जानवर वगैरह गिर जाते हैं। तो इस बारे में नगर पालिका ने कार्रवाई बहुत पहले से कर रखी है। वहाँ नाला ढकने के साथ थोड़ा सा नाला निर्माण भी होना है जो टोटल 1,14,66,000 का एस्टिमेट बना हुआ है जिसका निविदा हो चुका है और ये टेंडर भी हो चुका है। मतलब 15% बिलों पे ये काम गया है। थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है अभी हमारे पास, लेकिन फिर भी हम इसमें कार्यादेश जारी कर रहे हैं और बहुत जल्द उस पूरे नाले को हम लोग ढकवा देंगे और जो भी निर्माण होगा ये पूरा कंप्लीट करा देंगे। इस मामले में CMO का कहना है कि समस्या परिषद और नगर पालिका के सामने आ चुकी है। इसके लिए एस्टीमेट भी तैयार किया जा चुका है। लगभग 1,66,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया है जिसका वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने खर्चे पर फर्सी लगाने का काम किया है उसे पुरस्कृत करने पर भी विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, विदिशा।